गुरु गीता गुरु भक्ति का सुमधुर गायन है। सद्गुरु की भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छाव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्न बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित संरक्षित रहता है। धन्य है वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से आलोकित रहता है। आध्यात्म विद्या की सभी रहस्यात्मक प्रक्रियाएं अपने आप ही उसके अंतःकरण में स्फुरित होते रहती है। अनेकों अलौकिक अनुभव उसे हर क्षण धन्य करते रहते हैं। इन पंक्तियों में जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल वैचारिक तार्किक यथार्थ भर नहीं है, बल्कि समर्पण पथ पर चल पड़े साधकों के अनुभवों का सार है। इसे प्रत्येक साधक आज अभी और इन्हीं क्षणों में अनुभव कर सकता है। गुरु गीता के इन मंत्रों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रीति से समझने के लिए गुरु भक्ति साधना की एक सत्य कथा साधकों के समक्ष प्रस्तुत है। यह कथा आदि गुरु शंकराचार्य एवं उनके शिष्य तोटकाचार्य से संबंधित है। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपने प्रसिद्ध शारीरक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्म सूत्र पर यह एक सुप्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक एक पंक्ति में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संचोए हैं। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छाव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य की लेखन पयस्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन एवं लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या से पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को शिष्यों को पढ़ाते थे। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में एक मूढ़मति मंदबुद्धि बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। यह बालक पढ़ा लिखा भले ही ना था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र ना थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे, आचार्य की सेवा ही उसका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता था। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, परंतु इससे उसे कोई फर्क ना पड़ता था। वह तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाह न थी। फिर भी आचार्य ना जाने क्यों उसे अपनी सायंकालीन कक्षा में बुलाना ना भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्मपादाचार्य सुरेश्वराचार्य हस्तकमलाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्रीचरणों के समीप आ जुटे थे, किंतु आचार्य का वह शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसी की प्रतीक्षा थी। वह रह रहकर इधर उधर देख लेते थे। कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा है। यह उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची, पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया और कहा कि आज का पाठ प्रारंभ करे गुरुवर। आचार्य ने कहा, वत्स, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है। शिष्यों ने कहा, पर वह तो निरा विमूढ़ है भगवान, उसका आना न आना दोनों ही एक जैसा है। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए भी एक खींच की भावना थी। आचार्य भगवत पाद शंकर से यह बात छुपी ना रही। उन्होंने यह जान लिया कि उनके इन शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान हो आया है। शिष्यों का गर्वहरण करने वाले आचार्य सुनकर मुस्कराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य जिनकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हें के वस्त्र धोने के लिए गया था। यह उसका नित्य का कार्य था, किंतु आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गई। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कांधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला रहा था।
तोटक छंद में स्वस्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्य अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज हुआ। तोटक छंद में स्वस्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्य अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्मसूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिन पर अभी मैंने भाष्य भी नहीं लिखा है। तोटकाचार्य ने जो आज्ञा गुरुदेव, यह कहकर गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर दिखाया। तोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। त्राहिमाम गुरुदेव, कहते ही वे सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निर अभिमानी बनने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। ओम शांति।